अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो जी यहाँ पर अगेन मेरा व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं नाश्ता नहीं था किया और अब बस कपड़े वगैरह प्रेस किए और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले गई, क्योंकि आज मैं 8-9 बजे चले गई थी यूनिवर्सिटी। 7:30 बजे उठी थी, कुछ तैयारी वगैरह करी थी जाने के लिए, कुछ चीज़ें वगैरह रख रही थी, तो टाइम गुजर गया, नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला। तो सोचा यूनिवर्सिटी में जाके कर लेंगे। तो फिर यूनिवर्सिटी तो आ गई थी मैं बाद में, मुझे तकरीबन आज अंकल मुझे इतनी जल्दी छोड़ के आए ना यूनिवर्सिटी, मतलब मैं वहाँ पे घंटा वैसे ही फ्री बैठी रही हूँ। 10 मिनट का रास्ता मेरे घर से यूनिवर्सिटी का, और फिर जब क्लास हुई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ना आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हमें असाइनमेंट मिल गई। पहले मैंने ये गलती से बनाया हुआ स्केच है, ये खैर मुझे इतना अच्छा ये लगा था, बट अगेन इस तरह का नहीं था चाहिए, दूसरा बॉडीस में चाहिए था, मैंने जैकेट में बना दिया था। अच्छा, बाद में लेक्चर वगैरह लेने के बाद, 2 क्लासेस हमारी हुई थी, वो लेने के बाद हम लोग चले गए बाहर, क्योंकि हमें कुछ एक्सप्लोर करनी थी, कुछ डिज़ाइंस वगैरह और कुछ सामान लेना था, तो वो सब काम कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो भूख लगी थी, नाश्ता नहीं था किया, तो वो दोपहर का हम लोग ने ये डील वगैरह ले ली और ये खा ली। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर जितनी भी हमारा मटेरियल था असाइनमेंट्स का, वो परचेज़ कर लेंगे। इस दफ़ा हमने यूनिवर्सिटी के सामने से लिया, ज़िया बुक सेलर्स या उमर वालों के पास गए नहीं, क्योंकि इतनी दूर था और टाइम इतना ज़्यादा हमारे पास अब शॉर्ट आने लग गया ना, मतलब कि बस अब लेक्चर से लेक्चर होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बाहर से आ रहे थे चीज़ें वगैरह लेके, और फिर रिक्शे वाले का वेट कर रहे थे, क्योंकि अब था कि बस घर चले जाए, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी सारे दिन की। एक तो हमारी कुछ फील्ड भी ऐसी है कि हमें सर्च आउट करनी पड़ती है चीज़ें, और इतने में हम थक जाते हैं, और एक असाइनमेंट वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और पता नहीं फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड ही ऐसी, यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर्स हम डिज़ाइनर्स नहीं हैं, हम मजदूर हैं, मजदूरों वाला हाल ही है हमारा। हम बस अगर कहीं लेट जाए तो बस नींद आ जाती है, इतनी हम थके होते हैं। और अब तो सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, अब पूरा साल इस तरह ही हमारी दौड़े लगनी है। फिर घर आके मैंने मम्मा से बोला कि मुझे ना रोटी बना दे। मम्मा ने जब बताया कि जो है मैंने चिकन का सालन बनाया, तो फिर मैंने कहा मुझे पराठा ही बना दे, मैं पराठा ही खा लेती हूँ, सुबह टाइम भी पराठा नहीं था खाया। तो यहाँ पर मिढ़ा भी मेरे पास ही खड़ी थी, लेकिन ये पता नहीं खाती नहीं है, रोटी नहीं खाती, बच्चे रोटी पता नहीं क्यों नहीं खाते, खैर बड़े भी नहीं खाते, मैं खुद नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ कभी कभार। उसके बाद जी विस्पी लेके बैठ गई हूँ मैं, वही चीजियों शिजियों वाला वो कोटा मैंने पूरा करना। तो उसके बाद जी मैं यहाँ पर असाइनमेंट करने लग गई हूँ। सोचा तो ये था सो जाऊँगी, सो के उठ के कर लूँगी, बट सोने का टाइम ही नहीं मिला। असाइनमेंट जब नज़र आती है तो फिर नींद भी नहीं आती है, तो फिर यहाँ पर ड्रैपिंग के असाइनमेंट में बना लूँ कि मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। पूरे 4-5 माह बाद ड्रैपिंग को हाथ लगा रही हूँ, बिल्कुल ना मुझे इस तरह जो सर के ऊपर से गुजर गई है। इवन के मुझे कुछ इस तरह के पॉइंट्स थे जो कि काफ़ी अच्छे खासे आते थे, पता थे, इवन के मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते रहे ड्रैपिंग में, और ग्रेड भी ए आया इस दफ़ा मेरा ड्रैपिंग में। बट फिर भी कुछ पार्ट्स ऐसे, वो कहते हैं ना कि जब बंदा वेला रह ले और उसको बहुत चीज़ें भूल जाती है, तो सेम वही सीन मेरे साथ हुआ था। खैर लेकिन मैंने कर लिया था किसी तरह, और एक तो मैंने ये वाली क्लास भी नहीं थी ली, लेट गई थी मैं, जिससे वो मेरा व्लॉग नहीं देखा, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। फ्राइडे वाले दिन हमें ये डेमो दिया था, तो बस फिर आपकी बहन लेजी बहुत लेट गई थी। खैर फिर मैंने यहाँ पर अपनी जो क्लास फेल है उसको फ़ोन करके पूछ लिया था, भला हो उस बेचारे का जिसने मुझे बता दिया सारा। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद दोबारा मैंने ये कंप्लीट कर ली किसी तरह, मैंने कहा चलो मम्मी उठ के कर लो कंप्लीट, नहीं तो सुबह फिर तुम्हें ना जल्दी उठना पड़ेगा। फिर यहाँ पर दूसरी असाइनमेंट भी नज़र आई थी कि वो भी मेरी परसों सबमिशन है, तो उसका मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बस जो है ना प्रेजेंट करने का जो वे है उसी को डेकोरेट करने जा रही हूँ। जो मेरी मेन असाइनमेंट है उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है।
अभी के उस असाइनमेंट को बनाते हुए मेरा पूरा दिन लग जा रहा है और मुझे उसकी परवाह ही नहीं है। खैर यहाँ पर मैं ये जो है आइसक्रीम स्टिक्स के साथ ना बेस बना रही थी, कहीं वो आपको ना मैं कल वाले ब्लॉग में ना इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि काफ़ी स्टेप ऐसे थे जो हमारे अपने होते हैं और कोई ना कोई उसको कॉपी कर लेते हैं, तो इसलिए जो है कि वो मैं आपको कल ना पूरी असाइनमेंट बना के दिखाऊंगी और आपको अपनी पूरी क्लास की असाइनमेंट भी दिखाऊंगी थर्सडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन ही सबमिशन है तो उसी दिन आप सबको दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी मैं बस असाइनमेंट के एम्बेलिशमेंट की असाइनमेंट का ही काम कर रही थी। और ना जो मेरा थीम है वो बनी है, कि मैंने एक बनी है उसको ना मतलब कार्टून करेक्टर्स के रिलेटेड है बनी थीम है, तो उसको ना एम्बेलिशमेंट मतलब उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट करती है, तो वही बस रह गया। बाकी तो शुक्र है हो गया है कंप्लीट, क्योंकि जान जाती है एम्बेलिशमेंट करते। और यहाँ पर मैं मेडिसिन खा रही थी, मेरी आवाज़ से भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लू हुआ है और साथ में सर भी इतनी दर्द हो रही है और साथ साथ काम करना पड़ रहा है, तो बस फिर बस हो जाती है। तो यहाँ पर चाय वगैरह भी बना लिया, तो गाइस यहाँ पे मेरा व्लॉग भी एंड होता है, तो व्लॉग वगैरह अपलोड करके मैंने भी सो जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।